हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिटेल्ड इंग्लिश सॉल्यूशन। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके हाई स्कूल का प्रोज पढ़ा रहा हूँ, जो पहला चैप्टर चल रहा है, इसका पार्ट वन टू मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है द एनचांटेड पूल का। आज मैं पार्ट थ्री कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अगर आपने पार्ट वन टू नहीं देखा है तो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। और इसको मैं थोड़े थोड़े पार्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को फिर पढ़ने में बोरिंग ना हो। तो चलिए आपके प्रोज को जो है, आपके चैप्टर को जो लास्ट पार्ट है, आज स्टार्ट करते हैं। इसके बाद लेटर टू गॉड पढ़ाएंगे, फिर मैं ग्रामर पे चलूँगा आपका प्रोज कंप्लीट करने के लिए। पोइट्री मैंने कंप्लीट ही कर दिया है, वो भी आप लोग को अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में पूछा था लास्ट लाइन में, कि ऐसा क्या है जिसको छोड़ने से मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा सुखी हो जाता है, उसको तकलीफ़ और पेन नहीं होता है, तो क्या आंसर देते हैं युधिष्ठिर? कहते हैं एंगर, इफ़ वी गिव अप बींग एंग्री, इफ़ वी गिव अप बींग एंग्री, अगर हम गिव अप मीन्स छोड़ना बींग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो, सब्जेक्टेड मीन्स अधीन होना, टू सॉरो मीन्स दुख के, हम कभी भी दुख के अधीन नहीं होंगे। तो आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने पे, जिसको त्यागने पे, व्हिच अ मैन बिकम्स रिच, जो जिसको छोड़ के मनुष्य क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है। तो क्या कहता है, डिज़ायर, युधिष्ठिर क्या कहते हैं, डिज़ायर, इच्छाएँ, हमारी इच्छाएँ हमारे दुख का कारण होती है। आपको पता है ना, हम लोग तमाम इच्छाएँ करते रहते हैं, पहले साइकिल, फिर बाइक, फिर कार एंड वट एवर, बहुत कुछ, फिर डिज़ायर हमारी इच्छाएँ। इफ़ मैन गिव्स अप बींग ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची होता है, ग्रीडी मीन्स लालची होता है। इफ़ अ मैन है ना बींग ग्रीडी, गिव अप बींग ग्रीडी, अगर मनुष्य जो है लालची होना छोड़ दे, अथवा इच्छाएँ करना छोड़ दें, ही विल बिकम वेल्दी, वेल्दी मीन्स धनवान होता है, तो वह मनुष्य सबसे ज़्यादा धनवान हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है, वाट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, वाट मेन ब्राह्मणा, मनुष्य को सबसे मतलब सचमुच का ब्राह्मण कौन बनाता है, इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है, क्या जन्म से मनुष्य ब्राह्मण होता है, गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण से, गुड कंडक्ट मीन्स अच्छा आचरण, और लर्निंग या सीखने से, आंसर डिसाइसिवली, डिसाइसिवली मीन्स दृढ़ता से होता है, क्या होता है, दृढ़ता। तो क्या कहता है, आंसर जो है डिसाइसिवली, क्या बोलता है जो है वो जो यक्ष रहता है, कि बहुत ही दृढ़ता से उत्तर देना। तो क्या बोलते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, कह रहे हैं जन्म और सीख, कोई चीज़ हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो बर्थ एंड लर्निंग, जन्म से और सीखने से, कुछ ज्ञान प्राप्त करने से, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, कोई एक ब्राह्मण नहीं बन सकता, गुड कंडक्ट एलोन डज, गुड कंडक्ट में अच्छे आचरण एलोन डज, कह रहे हैं एक अच्छा आचरण ही है जो मनुष्य को क्या बनाता है, अच्छा बनाता है। हाउ एवर, चाहे जितना लर्नेड अ पर्सन में भी, मनुष्य चाहे जितना लर्नेड अ मीन्स लर्नेड मीन्स ज्ञानवान, मनुष्य चाहे जितना ज्ञानवान हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं बन सकता, विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े, बिना त्यागे बैड हैबिट्स, गंदी आदतों को, इवन दो हो सकता है ही मे बी लर्नेड, है ना, ही मे बी लर्नेड द फोर वेदाज, हो सकता है वो चारों वेदों को सीखा हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, लेकिन जो मनुष्य होता है बैड कंडक्ट, बुरी आदतों वाला, बुरी आचरण वाला, फॉल्स, गिरता है टू लोअर क्लास, नीचे अर्थ हुआ, जो बुरी आदतों वाला मनुष्य होता है वो हमेशा पतन को ही जाता है। आगे देखिए, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कह रहे व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, है ना, सबसे महान आश्चर्य क्या है इस दुनिया में? तो क्या कह रहा है, एवरी डे मैन मैन सी, मनुष्य देखते हैं, क्रिएचर्स में हम प्राणी को प्राणी बोलते हैं, क्रिएचर्स, डिपार्ट मीन्स जाना होता है, टू यमाज किंगडम, यमा मीन्स यम, किंगडम मीन्स राजधानी, कह रहे हैं एवरी डे मैन सी, हर दिन मनुष्य देखते हैं, क्रिएचर्स मीन्स प्राणियों को, हम मनुष्यों को, डिपार्ट मीन्स जाते हुए, टू यमाज किंगडम, यम के दरबार में, अर्थ हुआ हर दिन हम मनुष्यों को देखते हैं मरते हुए, एंड येट फिर भी दो जो रिमेन, और जो बचे रहते हैं, मतलब जो हम अभी नहीं मृत्यु को प्राप्त हुए, अभी हम जीवित हैं, वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, कभी ना मरना चाहे, और कह रहे हैं जो लोग मरे हुए हैं, मतलब जो लोग बच गए हैं मृत्यु से, अभी जिनकी मृत्यु नहीं हुई है ना, तो क्या कह रहे हैं, वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, अर्थवा जो लोग जीवित हैं वो कभी मरना नहीं चाहते हैं, यद्यपि यह देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, एक दिन मृत्यु सबको आनी है। दिस
ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बड़ा आश्चर्य की बात है। दस इस प्रकार द यक्षा, यक्ष पुट मीन्स आप पूछा, मेनी क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब के उत्तर दे दिया। फिर क्या पूछता है, इन द एंड, अंत में द यक्षा आस्ट, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत्यु मतलब मरे हुए भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मीन्स जीवित होना, रिवाइव्ड मीन्स जीवित होना, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक ही जीवित हो सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू, हु डू यू मीन्स किसको, हु डू यू मीन्स, हु मीन्स किसको डू यू वॉन्ट, तुम चाहते हो टू कम बैक टू लाइफ, मीन्स जीवन में वापस लाना चाहते हो, अर्थ हुआ तुम इनमें से किसको जीवित करना चाहते हो। तो आगे कह रहा है, इट टुक युधिष्ठिरा मोमेंट, इसके लिए युधिष्ठिरा ने एक मोमेंट लिया, एक क्षण लिया, टू थिंक, सोचने के लिए, एंड देन उसके बाद ही विश्ड, उसने इच्छा की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट, क्लाउड का मतलब मेघ के समान, मेघ गर्जन के समान या मेघ के समान, ठीक, लोटस आइड, कमल आंखों वाला, ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म, लंबे बाहों वाला, नकुला, नकुल मीन्स नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एनोवी, एबनी, एबनी ट्री इज, एबनी एक बच्चा पेड़ होता है ना बच्चा, तो ये एक पेड़ होता है, एबनी ट्री, एक जो एबनी ट्री के तरीके पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, क्या कह रहा है, क्लाउड कॉम्प्लेक्स टेन, जैसे बाद मेघ के समान, लोटस आइड, कमल के समान आंखों वाला, ब्रॉड चेस्ट, लम चौड़ी सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबे बाहें वाल बाहों वाला, नकुल, नकुल की बात कर रहा है, लाइंग लाइक ए फॉलन ट्री, जैसे हुए एक गिरा हुआ वृक्ष हो, किसका वृक्ष, एबोनी ट्री, एबोनी एक ट्री होता है, माइट एराइज, एराइज मीन्स उठना, उठना मीन्स अर्थवा जाग जाए, काश इच्छा यही है कि यही जीवित हो जाए, अर्थ कौन, नकुल जीवित हो जाए। तो आगे क्या कह रहा है, द यक्षा वॉज प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स बच्चा अगर प्लीज है तब तो रिक्वेस्ट होता है, लेकिन उसमें डी लगा दोगे तो आनंद होता है, यक्ष बहुत प्रसन्न था, एट दिस इस पर, एंड आस्क्ड यधिष्ठिर, और यधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चूज किया, इन प्रेफरेंस, अपेक्षा, इन प्रेफरेंस मीन्स अपेक्षा टू भीमा, भीमा के, कह रहे भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चूज किया, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000, 16,000 मीन्स 16,000 मीन्स हाथियों के, एलिफेंट्स मीन्स मतलब 16,000 हाथियों के, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है, 16, तो आई हैव हर्ड, मैंने सुन रखा है दैट भीमा इज मोस्ट डियर, मोस्ट डियर मीन्स सबसे ज़्यादा प्रिय टू यू, मीन्स रक्षा ने पूछा कि मैंने सुन रखा है कि भीम तो तुम्हारे युधिष्ठिर सब, युधिष्ठिर का सबसे प्रिय है, एंड व्हाई नॉट अर्जुना, अर्जुन को तुमने क्यों नहीं चूज किया, हुज स्ट्रेंथ, जिसकी शक्ति, इन आर्म्स, बाहों में, इज योर प्रोटेक्शन, जिसके बाहों में जो शक्ति है, इज योर प्रोटेक्शन, वो तुम्हारे रक्षा के लिए है, प्रोटेक्शन में सहायता के लिए है, टेल मी व्हाई यू चूज, बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों निर्णय लिया, चूज किया नकुला, नकुल को तुमने क्यों चूज किया, रादर देन अपेक्षा, रादर देन मीन्स अपेक्षा होता है, इधर ऑफ द दीज टू, इधर ऑफ दीज टू मीन्स इन दोनों के अपेक्षा, इधर ऑफ दीज टू मीन्स इन दोनों के अपेक्षा, इन दोनों के अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चूज किया, इन दोनों के अपेक्षा कौन, अर्जुन और भीम के अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चूज किया। तो क्या कह रहा है युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा रिप्लाइड, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्मा, धर्म जो हमारे अच्छे कर्म है उसी को धर्म कहते हैं, अच्छा करना ही धर्म कहलाता है, इज़ द ओनली सील्ड, सील्ड मीन्स रक्षा कवच होता है, सील्ड मीन्स रक्षा कवच होता है, आप मैन कह रहे हैं धर्म ही, युधिष्ठिर कहते हैं धर्म ही मनुष्य का एक रक्षा कवच है, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, भीम और अर्जुन किसी का रक्षा कवच नहीं है, हमारे अच्छे कर्म, हमारे धर्म ही हमारे रक्षा कवच है, सील्ड मीन्स रक्षा कवच, आर्मर जिसको बोलते हैं। इफ धर्मा इज गिवन अप, गिवन इफ मीन्स नष्ट हो जाना, त्याग दिया जाना, अगर धर्म को मनुष्य त्याग देता है, मैन विल बी रुइंड, रुइंड मीन्स बर्बाद, तो मनुष्य नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माधुरी, जो कुंती थी और माधुरी, वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थी जिनका नाम कुंती और माधुरी था, आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, आसान आप कुंती, जो कुंती का सा पुत्र है, एंड सो इस प्रकार, सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, बिरीव्ड मीन्स व्यथित होना, दुखी होना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, है ना, बिरीव्ड मीन्स क्या, दुखी होना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, कह रहे ये कम्प्लीटली जो है दुखी नहीं है, क्या हुआ, कम्प्लीटली जो है वंचित या दुखी नहीं है, बिरीव मीन्स दुखी होना, वंचित हो जाना, है ना, वंचित रह जाना, तो पूर्ण रूप से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर अपेक्षा, इन ऑर्डर मीन्स ताकि, इन ऑर्डर दैट मीन्स ताकि द स्केल ऑफ जस्टिस, स्केल ऑफ जस्टिस मीन्स न्याय की तराजू,
है ना, जस्टिस में न्याय, स्केल्स में तराजू, मे बी इवन, इवन मीन्स इक्वल बराबर, न्याय की तराजू बराबर रहे। आई आस्क दैट, मैं पूछता हूँ, माद्री सन मीन्स मैं निवेदन करता हूँ, आई आस्क दैट माद्री सन मीन्स नकुल, नकुल जो किसके सन थे, माद्री, माद्री के सन थे तो पुत्र थे, इसलिए कह रहा है आई आस्क दैट माद्री सन, इसलिए मैं माद्री के सन के बारे में पूछता हूँ, नकुला में रिवाइव, कि नकुल जीवित हो जाए। द यक्षावात वॉज मोस्ट प्लीज, यक्षा बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, विद यधिष्ठिरस इम्पार्शियलिटी। बच्चा पार्शियलिटी मीन्स होता है पक्षपात, लोग गलत होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन तब भी लोग उनके पक्ष लेते, नहीं ये सही है, उसको कहते हैं पार्शियलिटी। इम लगा दिए, अर्थ हुआ पक्षपातहीन, किसी का साथ ना देना, जो सही है उसका साथ देना, न्याय का साथ देना, उसको इम्पार्शियलिटी बोलते हैं। तो किसके, द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज, यक्ष बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, विद युधिष्ठिरस इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के इम्पार्शियलिटी मीन्स एकदम क्या कहते हैं, न्याय के से बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। एंड ग्रांटेड, ग्रांटेड मीन्स देना, प्रदान करना, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, उसके सारे भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, उसने क्या कहा कि हे युधिष्ठिर, हम तुम्हारे न्याय से, तुम्हारे पक्षपातहीनता से, तुम्हारे धर्म से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए ग्रांटेड मैं प्रदान करता हूँ, दैट ऑल सन, सारे ब्रदर तुम्हारे क्या हुए, वुड कम बैक टू लाइफ, तुम्हारे सारे भाई जीवित हो जाएंगे। इट वॉज यमा, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देव कहे जाते हैं, हु हैड टेकन, जिन्होंने ले रखा था, द फॉर्म मिस रूप, ढांचा है ना, रूप, फॉर्म मिस रूप ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप ले रखा था, सो दैट, ताकि ही माइट सी, वो देख सके, युधिष्ठिरा, माइट मिस सके, पास्ट के लिए यूज होता है, युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनका टेस्ट मतलब परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड, उन्होंने गले मिलाया, एम्ब्रेस्ड मीन्स गले मिलना होता है, युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद दिया, हिम मीन्स उनको, देन ही डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड मीन्स गायब हो जाना, उसके बाद वो गायब हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आपकी एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको तक सबसे पहले पहुँच सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जी एल फ्लुएंट्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।